अगर हम भगवान की किसी तस्वीर में उनकी आंखों को देखें, जैसे महादेव का कोई चित्र, तो क्या वो एक तरह का ध्यान होगा? क्या इसका कोई लाभ है या हानि है? ये ध्यान की बहुत ही साधारण एक पद्धति है, बहुत विधि है, बहुत कारगर नहीं है, बहुत कारगर नहीं है। हमने ध्यान के बारे में बताया है कि जब आप कुछ भी ध्यान के बारे में जो प्रक्रियाएं समाज में प्रचलित हैं प्राय गलत हैं, प्राय गलत है। एक बंदर को देखिए पेड़ पर से झूलते हुए, फिर आप बंदर को भी देख ही रहे हैं ना। जब आप कुछ भी नहीं करते, परम शून्यता में आपके मन मस्तिष्क विलीन होते हैं, तब ध्यान होता है। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तो जो हो रहा होता है वो ध्यान है। और ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। जैसे मैंने हमेशा कहा कि मनुष्य जो है वो बोर होता है। बोर्डम शब्द मनुष्य के शब्दकोश में है। कोई प्रकृति में कोई चिड़िया बोर नहीं है, कोई पशु पक्षी बोर नहीं है, कोई मुर्गा तोता बिल्ली कुत्ता शेर चीता ऊंट भालू बंदर कोई बोरियत का शिकार नहीं है। सब मजे में है, सब मौज ले रहे हैं। और उनको आप देखें तो बड़े आनंदित हैं वो। और उनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनको कोई बैंक बैलेंस है, ना वो बड़ी पोस्ट पर हैं, ना उनके पास अच्छे सूट बूट हैं, ना उनके हाथों में अंगूठियां पहन रखी हैं, ना उन्होंने आंखों में काजल लगाया हुआ है। और वो हिरनी चल रही है अटलाती, उसे पता है कि मैं हूं तो हूं, मतलब उसे किसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। शेर है तो है ना। वो मैंने पिछले दिन आपको कहानी बताई थी कि वो कुत्तों की रेस हो रही थी, तो उसमें उससे पूछा शेर से कि भैया तुम क्यों नहीं दौड़ रहे? तो बोला मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं, कुत्तों के साथ मेरी बेइज्जती है, तो उससे तो अच्छा है कि मैं ना ही दौड़ूं, क्योंकि मैं शेर हूं, इसे मुझे किसी को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। मैं दौड़ूंगा दुनिया को पता चलेगा कि मैं हूं। तो मनुष्य बोर होता है क्योंकि वो उस समय स्वयं के साथ होता है। जब हम स्वयं के साथ रहकर बोर हो रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ रह करके प्रसन्न नहीं होगा। अगर हम स्वयं के साथ रह करके ही प्रसन्न नहीं है तो किसी के लिए भी प्रसन्नता का हेतु ना हो सकेंगे। जो स्वयं के साथ रह करके प्रसन्न होने की कला को जान गया, वो ही सारी तरह की विधियों को और सब तरह की व्यवस्थाओं को जान गया, और उसके साथ फिर प्रति व्यक्ति प्रसन्न और खुश ही होगा। रतन जी टाटा, जो टाटा में अब सब उनके नाम से जानते हैं, ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। एक रेडियो पर उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो रेडियो के इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि आप अपने जीवन में सर्वाधिक प्रसन्न कब हुए, ऐसा कोई मौका बता सकते हैं? तो कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में चार घटनाएं याद आती हैं। पहली घटना वो जब मैं सोचता था कि मैं कुछ सुख साधन और कुछ वस्तु कुछ ऐसी चीजों को इकट्ठा करूं अपने जीवन में, और जब वो इकट्ठा हुई तो उसके इकट्ठा होने के साथ ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इनका बहुत मूल्य नहीं है, ये वास्तविक प्रसन्नता का हेतु नहीं है, ये वास्तविक खुशी का कारण नहीं है। फिर उसके बाद में एक स्टेप में और आगे बढ़ा तो फिर मैंने घर में जो संसाधन थे, जो गाड़ी है घोड़ा है चीज़ें हैं टेलीविज़न है बड़ा बंगला है, जो साधन है सारे के सारे, उन साधनों से लगा कि इनसे प्रसन्नता मिलेगी। थोड़े दिन के बाद लगा कि ये भी स्थायी प्रसन्नता के साधन और माध्यम नहीं है। फिर उसके बाद हम अपने कार्यक्षेत्र में बहुत विस्तार को उपलब्ध हुए, रतन टाटा बोल रहे हैं कि हम अपने कार्यक्षेत्र में बहुत विस्तार को उपलब्ध हुए, और एक ऐसी भी घड़ी आई कि उसमें साउथ अफ्रीका और भारत को सिर्फ डीजल की सप्लाई करने वाली कंपनी हमारी ही थी, और इस्पात के निर्माता और इस्पात के आयातक और निर्यातक के रूप में टाटा ही एकमात्र हमारी ही कंपनी सब तरह से काम करती थी। और उससे पहले जहाज भी चला, एयर इंडिया उन्हीं का था, जब तब फिर से उन्हीं के पास चला गया। तो ये सब हम कर चुके थे, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि ये भी वास्तविक प्रसन्नता का हेतु नहीं है। उन्होंने लिखा कि मेरा एक मित्र है, वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं एक ऐसे अपंग विद्यालय को जानता हूँ जहाँ लगभग 300-400 बच्चे अपंग हैं किसी न किसी रूप में, और उनमें से 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको व्हील चेयर की जरूरत है, अगर उनको व्हील चेयर दे दें तो वो अच्छा होगा। तो मुझे विचार, रतन टाटा बोल रहे हैं अपने दोस्त से, मुझे विचार अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ 200 व्हील चेयर का इंतजाम किया। और फिर मेरे मित्र ने कहा कि व्हील चेयर तो आप भेज रहे हैं, बहुत अच्छा हो कि अगर आप स्वयं ही अपने हाथों से इनको जा करके बांट दें तो कितना अच्छा हो। तो कहते ये भी मैंने माना, और मैं एक दिन छुट्टी लेकर के उस जगह पर गया, उस केंद्र में गया जहाँ पर वो विकलांग बच्चे थे। और जब हम वो लेकर के वहाँ पहुँचे व्हील चेयर्स, तो वो सारे बच्चों ने व्हील चेयर पर बैठ करके जो एक पिकनिक और जो उन्होंने नज़ारा प्रस्तुत किया, बोले वो मेरी आंखों से कभी गया नहीं। कोई घूम रहा है उस पर बैठा हुआ, कोई खेल रहा है, कुछ धकेल रहा है, कोई शोर मचा रहा है, जैसे उनके जीवन में सबसे बड़े टॉयज या सबसे बड़ी कोई खुशी की चीज़ें हमने उन्हें प्रदान कर दी हूँ। और वो फिर बोलते हैं सबसे ज़्यादा मुझे जो चौंकाने की बात थी वो ये कि मैं जैसे एक बच्चे के पास से गुजरा तो उस बच्चे ने मेरी पैंट पकड़ ली नीचे से, और मेरे चेहरे की तरफ ऐसे करके देखता रहा। तो मैंने उसके पास नीचे झुका, रतन टाटा बोलते उस बच्चे के पास मैं विकलांग बच्चे के नीचे झुका और उससे कहा कि तुम मुझे इतनी जोर से पकड़े हो, क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है?
तुम इतने मुझे उद्वेलित लग रहे हो और ऐसे मुझे कसके मेरी टांग पकड़ ली है और मुझे गौर से देखे जा रहे हो मेरे चेहरे को, क्या तुम्हें किसी और कुछ चाहिए, क्या तुम्हारी पर्याप्त नहीं है व्हीलचेयर? तो बच्चा उनसे कहता है कि मुझे अपने चेहरे को गौर से देख लेने दें, मुझे आप अपने फेस को बहुत गंभीरतापूर्वक निरीक्षण करने दें, मैं याद कर लेना चाहता हूं आपका चेहरा, जब आप मुझे स्वर्ग में मिलेंगे तो मैं आपको पहचान लूंगा वहां और मैं सबको आपका परिचय कराऊंगा कि ये वो थे जो हमारे लिए खुशी लेकर के आए थे। रतन टाटा ने कहा कि यहां से मेरा एक नया जीवन प्रारंभ होता है और मैं सारी खुशियों को विलीन करके मुझे वो जो क्षण है वो मेरे जहन में रह जाता है। तो क्या हम कोई ऐसा कृत्य अपने इस जीवन में करते हैं कि हमारा चेहरा को याद रखना चाहे, हमसे कोई अगेन एंड अगेन मिलकर के प्रसन्नता का, सुख का, शांति का, सौहार्द का, प्रेम का, धैर्य का, मित्रता का, संबंध का, सौहार्द का, वात्सल्य का, अपनत्व का, जुड़ाव का एक ताना बाना बनाता हुआ प्रतीत होता हो, उसका एक सूत्र बंधन होता हो, क्या ऐसा जीवन हमारे पास है? तो हमें कभी कभी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपने चेहरे को देखना चाहिए कभी शीशे में और पूछना चाहिए स्वयं से कि क्या हम ऐसे हैं कि हमें बार बार लोग देखना चाहेंगे। तो ये एक चीज है। तो इस बारे में मुझे एक बात करते करते ख्याल आ गई, तो हम उस पर कम ध्यान देते हैं कि हमें वास्तव में किस तरह की जिंदगी को जीना है, उस पर हमारा ख्याल ही बहुत कम है। तो आप अगर स्वस्थ होंगे, अच्छे बर्तन, अच्छी चीजें, अच्छे सामानों का प्रयोग कर रहे होंगे तो लंबे दीर्घजीवी होंगे, और दीर्घजीवी भी जीवन काट नहीं रहे होंगे, जीवन को जी रहे होंगे। जिंदगी को काटना ही जीवन नहीं है, सिर्फ जीते ही चले जाना जीवन नहीं है। ताब जिंदगी, ताब मंजिल, रास्ते में सैकड़ों थी मंजिलें, ताब मंजिल, रास्ते में सैकड़ों थी मंजिलें, हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी। जो हमारा डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे डेस्टिनेशन है। जैसे एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, बोले बहुत बढ़िया मजा आ गया, अब लंच डिनर करेंगे, लंच डिनर करते फिर अगले वो होटल में जाके मजा करेंगे, फिर होटल में पहुंचे तो वहां जरा सी चादर गंदी है, वहां किसी ने ठीक से पूछा नहीं, पानी का गिलास नहीं टाइम पे मिला, कुछ और चाय ठंडी मिल गई, फिर मजा खत्म हो गया, फिर कुछ और चीज में आप लग गए। तो ये हम इसको हमेशा आगे बढ़ाते जाते हैं जबकि सब हमारे ही अंदर है। आर्याम